तो आज का सेशन है हमारा शीट ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लास्ट में रेंज ऑब्जेक्ट किया था कि रेंज से कैसे काम कराते हैं, सेल से कैसे काम कराते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे हम शीट से कैसे काम कराते हैं, शीट से क्या क्या काम होते हैं। तो एक कोई भी मैं मैक्रो लिख लेता हूँ। तो जैसे अभी आपको किसी भी शीट को एक्टिवेट कराना है, तो आप एक तो या तो उसका डायरेक्ट नाम लिख दो, शीट शीट 1 2 जो भी डॉट एक्टिवेट, ठीक है। अब इसमें जैसे 1 एक्टिवेट है, अगर मैं इसको कर दूंगा तो अब ये 2 एक्टिवेट हो गई, ठीक है, वो शीट पे चला गया। अगर आप इस रेंज में यहाँ पे कुछ कॉपी पेस्ट वगैरह ये सब ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो विदाउट शीट के चेंजिंग से, मतलब आप यहाँ पे हो और आप लिख रहे हो कि शीट 2 में ए रेंज को कॉपी कर ले, तो वो नहीं करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। मतलब जो ऑपरेशन आपके माउस से होते हैं, वैल्यू ट्रांसफ़र को छोड़ के बाकी जो सारे काम हैं वो आपको शीट एक्टिवेट करवा के ही करने होते हैं, ठीक है। अगर डेटा लेना है वैसे तो आप बगैर एक्टिवेट के कर सकते हो, पर अगर कॉपी पेस्ट कुछ भी करना है तो हमें उस शीट को एक्टिवेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से एक्टिवेट करा सकते हो। दूसरा, दूसरा तरीका है शीट्स, और इसमें इंडेक्स नंबर दे सकते हो। इंडेक्स नंबर होता है जैसे 1 2 3 4 ऐसे। तो जैसे मैंने अब शीट 1 को वापस एक्टिवेट कराता हूँ, शीट 2 एक्टिवेट करानी थी तो नंबर दे दिया मैंने, ठीक है, शीट्स के अंदर ब्रैकेट में एक्टिवेट, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल एक्टिवेट ही करा के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये शीट 2 एक्टिवेट हो गई। इंडेक्स नंबर होता है इसकी पोजीशन, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आप नाम लिख सकते हो, शीट्स, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा में उस शीट का नाम, शीट 2 डॉट एक्टिवेट, ठीक है। तो ये मेथड है जिसके ज़रिए आप शीट को रेफ़र कर सकते हो कि ये वाली शीट है। मान लो आपको, अगर आपको करंट शीट पे कुछ काम कराना है, ठीक है, जो खुली हुई है, तो जैसे एक्टिव सेल था उसी तरह हमारे पास है एक्टिव शीट, एक्टिव शीट, ठीक है, एक्टिव शीट डॉट, इससे काम करा सकते हो जो भी कराना हो। एक्टिव शीट डॉट, इसका नाम चेंज करना हो, डॉट नेम इक्वल टू करके इसका नाम दे दिया, जो भी कौन सी शीट है, शीट 1 है, तो मैं इसको SH1 करके ये नाम देना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसको करूँगा इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो एक्टिव शीट, एक्टिव शीट के अलावा मतलब ये शीट का नाम आप लिख सकते हो, इंडेक्स डाल सकते हो, और शीट्स के अंदर उसका नाम लिख के कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, वर्कशीट, वर्कशीट डॉट। अब शीट को आपको कॉपी करने के लिए, ऐड करने के लिए ये वर्कशीट की कमांड लगती है, ठीक है, वर्कशीट डॉट ऐड वगैरह। मतलब कि आपने ये शीट का इतने से काम कर लिया, अब आपको ऐड करानी है, डिलीट करानी है, मूव करानी है, तो आपका वर्कशीट के अंदर डॉट ऐड काउंट, ये सब एप्लीकेशन फंक्शन है, ठीक है। वर्कशीट्स डॉट सिलेक्ट, वर्कशीट में भी मेरे ख्याल से ये चल जाता है, इंडेक्स नंबर, या इसका नाम भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, शीट 2, और शीट डॉट ऐड भी चलता है, शीट वर्कशीट दोनों ही चलते हैं। तो शीट डॉट एक्टिवेट चला के देखते हैं चलता है या नहीं चलता, ठीक है। तो देखो कि चल रहा है ये, तो शीट्स और वर्कशीट दोनों से ही सेम काम करा सकते हो। हाँ, एक्टिव वर्कशीट नहीं होता है, वो एक्टिव शीट ही होता है, ठीक है।
अब इसके बाद आपने क्या कराना है, शीट से और क्या काम हो सकते हैं, नई शीट ऐड करानी है, ठीक है। तो आप ये वर्कशीट डॉट ऐड भी कर सकते हो, शीट्स डॉट ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। शीट ऐड होगी, ये एक फंक्शन, ये आपका एक मेथड है, प्रोसीजर है, ठीक है। फंक्शन और प्रोसीजर में क्या फ़र्क है, जैसे ये आपका जो भी मैं बगैर ब्रैकेट के लिखता हूँ ना, तो मतलब ये कुछ काम करा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे दूंगा तो ब्रैकेट के अंदर दूंगा तो इसका मतलब है ये वैल्यू किसी ना किसी को देंगे, मतलब यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा, मतलब जैसे ये है ना, इस इक्वल टू के बाद ये ब्रैकेट वाले जो आते हैं इधर, मतलब कि ये किसी को वैल्यू दे रहे हैं, पर खाली जो काम कराते हैं वो हम विदाउट इसके भी चला सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर पैरामीटर देने हैं, क्या क्या पैरामीटर है वो देखते हैं। कह रहा है बिफोर में करानी है, आफ्टर में करानी है, ठीक है, पहले करनी है बाद में करनी है, तो हमने कहा आफ्टर में कराओ, ठीक है। अब मुझे आफ्टर का पैरामीटर देना है, अब ये ब्रैकेट में है तो मैंने बताया था इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू और सेमी कॉलन, ये आफ्टर सेमी कॉलन इक्वल टू है मेरे ख्याल से, सेमी कॉलन इक्वल टू, ठीक है, आ गया। तो अब आप आफ्टर का पैरामीटर दोगे, ठीक है। पैरामीटर मतलब कि किसके बाद आपको ऐड कराना है, वो शीट का आपको वो देना पड़ता है कि इस शीट के बाद ऐड कराओ। अब आपको ये तो मालूम नहीं है कि कौन सी शीट लास्ट है, मान लीजिए कि कोई नई शीट खुली है, आपको एक बनाना है, जैसे तीन शीट है, किसी में पाँच होंगी किसी में 10 होंगी, आपको क्या पता किसके बाद है। तो इसके लिए सीधा सा एक फंक्शन है, शीट्स शीट डॉट काउंट। काउंट का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक नंबर रिटर्न करेगा कि टोटल शीट कितनी है। जैसे अब ये तीन शीट है, तो ये शीट डॉट काउंट ने क्या दिया, तीन, ठीक है। अब ये तीन इसको मिला शीट को, तो शीट थर्ड इंडेक्स लेगा, है ना, और थर्ड इंडेक्स लेगा तो ये है आफ्टर, तो तीसरी वाली के बाद ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे ही मैं रन करता हूँ, ये शीट ऐड हो गई। अब देखो ये शीट जैसे ही ऐड हुई, ये एक्टिव शीट बन गई, ठीक है। सॉरी, तो आप चाहते हैं कि इसका नाम पड़ जाए कुछ, आप नाम दो तो ये शीट बनाए, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू, ये ले लेंगे इनपुट बॉक्स से, इनपुट बॉक्स को हम कह देंगे कि एंटर शीट नेम, ठीक है। तो जैसे ही हम वो मैक्रो चलाएंगे, ये हमसे पूछेगा शीट का नाम क्या देना है, मैंने कहा डेटा देना है, ओके करूँगा, तो ये देखो कि डेटा नाम की नई शीट आ गई है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं हम, शीट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, जो आपके ये राइट क्लिक करके ये सारे फंक्शन होते हैं ये भी चलते हैं। नई शीट का नाम चेंज होना था जो ऐड हुई है, चार तो हमने की थी, पांचवी आई थी उसका, ठीक है। तो हाँ, जैसे ये हमने नई शीट का नाम एंटर किया, और उसके बाद हम चाहते थे कि वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो फिर हमें ये कर देना था शीट्स, उसका नाम लिख के या जैसे भी डॉट एक्टिवेट, ताकि आपको पता ना पड़े कि क्या हुआ है। जैसे यहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से डेटा टू कर दिया मैंने, ये अब आप देखोगे डेटा टू नाम की शीट है, ये वापस शीट वन पे है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हाइड करते हैं, हाइड करना है, मूव करना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं शीट्स, चलिए डेटा शीट है, इसको करेंगे डॉट विजिबल, ठीक है, इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये शीट हाइड हो जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे ले,
तो अभी आप देखोगे कि हमारी शीट जो है डेटा वो हाइड हो गई। ठीक है, अभी आपने हाइड तो करा दी, अनहाइड करूँगा तो यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है करा ली, तो जिसको पता है वो कर लेगा। पर आप चाहते हो कि ऐसा हाइड कराऊँ कि किसी को पता ही ना पड़े कि मैंने कुछ हाइड किया है ना। कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, आप सॉफ्टवेयर सा बना रहे हो कोई, आपका इंपॉर्टेंट डाटा या इंटरनल कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये वी ए जो हमने विजिबल वाला है इसमें ट्रू करेंगे तो शीट आ जाती है, पर एक फॉर्मेट होता है, इसमें डालेंगे एक्सेल वेरी हिडन। ठीक है, अब एक्सेल वेरी हिडन क्या करता है, अभी तो आप शीट देख रहे हो, मैंने इससे कर दिया एक्सेल वेरी हिडन, गायब हो गई शीट, यहाँ से राइट क्लिक करके अनहाइड में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो वेरी हिडन फॉर्मेट जो होता है वो सिर्फ VBA से ही ऑन हो सकता है, यहाँ पे ट्रू लिखोगे तो दिखाई देगा। ठीक है, तो हम बटन क्लिक पे लगा सकते हैं या अपना कुछ काम करा के शीट को मैक्रो के थ्रू ही हाइड करा सकते हैं। इसको सिर्फ कहाँ से किया जा सकता है, जैसे हमने कौन सी शीट कराई, यहाँ पे दिखा रहा है डेटा, देखो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इसमें देखो कि विजिबल है, ये जो आप देख रहे हो ना नेम इनेबल सिलेक्शन विजिबल, इनके आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहीं सेम दी जाएंगे। ठीक है, एक्सेल शीट विजिबल ये भी दे सकते थे हम, वेरी हिडन है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ, खाली विजिबल करूँगा यहाँ से, तब ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा, समझ गए। और यहाँ पे या तो यहाँ पे ट्रू करके दिखा सकता था, उससे हो जाता। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से ये कर दिया तो ये गायब हो गई, और यहाँ पे अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये दिखा दी। ठीक है, अब इसका यूज जैसे मैं अपने, अगर आपको लाइव यूज़ दिखाऊँ अपनी एप्लीकेशन में कहीं मैंने यूज किया हो तो मैं इनका करता रहता हूँ, जैसे कि क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हर किसी में यूज़ करता हूँ इसका। एक सेकेंड, मेरे कहाँ गए डॉक्यूमेंट, किसके अंदर बिलिंग विलिंग पीओ, जैसे ये है तो इसमें मैं जैसे अगर चलाता हूँ तो इनको हाइड कर देता हूँ। एक मिनट रिफ्रेश, अभी ये दिखा रहा है ना, लॉक मास्टर करूँगा देखो गायब हो गया, उसमें मैंने सिर्फ हाइड कराया है। ठीक है, एक्सेल वेरी हिडन से, तो जब मैं कहता हूँ शो मास्टर, इनपुट बॉक्स से पासवर्ड लिया, ओके किया, तो ये सारे खुल गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और दे रखा है, मैंने कहा कि यहाँ पे आप पासवर्ड डालो, चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, तो वो वैसा मैकेनिज्म बनाया, लॉक मास्टर मैं हाइड ही कर रहा हूँ खाली में, यहाँ पे पासवर्ड अगर मैच करता है वहाँ से करेक्ट है। हाइड वैल्यू में भी आप वैल्यू फाइंड करा सकते हो कि उस शीट की वो वैल्यू में क्या ये वैल्यू पड़ी है इक्वल टू करके, ठीक है, तो वहाँ से मैच कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इनका यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एक रियल एग्जांपल है। अब उसके बाद और क्या करा सकते हैं हम शीट से, बाकी आपके वही रेंज वाले ऑपरेशन होने हैं। ठीक है, शीट को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट। ठीक है,
पासवर्ड से शीट मैं डेटा पे लगाता हूँ कि मेरा एक पासवर्ड रहेगा डॉट प्रोटेक्ट इसमें स्पेस के बाद आप जैसे 1 2 3 4 पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है, सीधा ही दे सकते हैं ऐसा। तो जैसे ही मैंने किया कुछ हैंग हो गया मेरा लगता है कुछ इसमें, हाँ शो टैब्स। तो डेटा जो है ये आपका प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। इनका भी मैं यूज़ करता हूँ, और इसको अगर अनप्रोटेक्ट करना है तो शीट्स, तो मैं क्या करता हूँ कोड के स्टार्टिंग में पहले क्या करूँगा, इसका अनप्रोटेक्ट करूँगा, पहले से ही प्रोटेक्ट करके रखता हूँ अनप्रोटेक्ट। अगर कोई पासवर्ड नहीं है तो खाली प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट से चल जाएगा, अगर पासवर्ड है तो आपको ऐसे देना पड़ेगा बस स्पेस मार के, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इसको अनप्रोटेक्ट, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो, तो ये चीज़ को जैसे मैं लॉक कर देता हूँ जब शीट को, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं मैक्रो में ही इसको ओपन करवाता हूँ शीट को, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट कराता हूँ, काम कराता हूँ, फिर लास्ट में प्रोटेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि यूजर उस पर छेड़खानी ना कर सके, मेरा मैक्रो सिर्फ काम करे अपना और वापस हो जाए, यूजर चीज़ को ना बिगाड़े। तो हम इसी तरीके से करते हैं। अब जैसे इसमें भी है, मैं ये एग्जांपल आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि मैं कुछ भी चेंज कर यहाँ तो कर पा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कर रहा हूँ, तो क्योंकि प्रोटेक्शन के रूल मैंने कैसे सेट कर रखे हैं कि जहाँ हम लिखना चाहते हैं वहाँ लिख पाएँ, जहाँ नहीं वहाँ यहाँ लिख सकते हैं, मैंने ये खाली ब्लॉक करा रखा है, ठीक है। इनको मैं डिलीट नहीं कराने देता, ये मैंने ऑब्जेक्ट भी लॉक कर रखे हैं, ठीक है। तो मेरा मैक्रो इसको पहले अनप्रोटेक्ट करेगा, काम करेगा, फिर प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। और ये हर मैक्रो में, इस पे काम कराने वाले हर मैक्रो के पास ये अथॉरिटी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद और क्या करा सकते हैं हम, तो शीट से बेसिकली हम हाइड अनहाइड वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, जैसे अब क्या करते हैं, छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, जिस पे हम दूसरे में डाटा सेव कराएंगे, जैसा हमने पहले किया था रेंज के लिए, अब दूसरी शीट में कैसे लेके जाना है या कॉपी पेस्ट कैसे कराएंगे, ये चीज़ देखते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे कराना है। तो जैसे कि हमें अभी कुछ डेटा में देना है, यहाँ पे हम पहला फॉर्म ये लगा देते हैं, डेटा को मैं बगल में लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम सिटी दो ही रख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक बटन लगा देता हूँ इंसर्ट शेप, सबमिट डेटा, ठीक है। और इस पे हम कहेंगे कि ये जो डेटा शीट है हमारी, अरे डेटा पे कर दिया मैंने, तो इसको मैं डेटा डेटा शीट से डेटा टू पे ले जाता हूँ, चलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो नेम सिटी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसमें ये भी देखेंगे कि एंट्री किस टाइम पे हुई, ठीक है, या किस डेट पे हुई, डेट को ले लेते हैं, डेट टाइम भी दे सकते हैं चाहें तो, पर अभी फ़िलहाल डेट को, किस डेट को एंट्री हुई है वो हम रिकॉर्ड रखेंगे। चलो
और ये डेटा टू शीट और किसी को दिखाई ना दें, जब हम चाहेंगे तभी खुले ये। तो मैं एक अलग से मैक्रो बना लेता हूँ कि रियलिस्टिक मैं चाहूँ मैं खाली डेटा देख सकूँ। तो सब सबमिट के नाम से, सबमिट डेटा के नाम से एक मैक्रो बना ले रहा हूँ जिसके अंदर सारी चीज़ों को मैं करूँगा। अब देखिए, प्रोटेक्ट भी करूँगा, अनप्रोटेक्ट भी करूँगा, और कोई दो चीज़ कर सकते हैं, या तो उसको वेरी हिडन कर दो तो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। प्रोटेक्ट मैं क्या करूँगा, फॉर्म को करूँगा, ठीक है। तो मैं जो इसमें जो कराना चाह रहा हूँ उसके लिए एक अलग मैक्रो बनाऊँगा जिसको मैं बार बार कॉल करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट के लिए मैं अलग से एक मैक्रो बना देता हूँ। इस पर मैं बना देता हूँ, ये हो गया मेरा सब एल के करके लॉक के लिए, और सब यू एल के अनलॉक के लिए, ठीक है, ऐसे ही नाम लिख देता हूँ। तो पहले लॉक अनलॉक के लिए हमारी शीट टू है, वो शीट्स डेटा टू, ठीक है, ठीक है। ये होगी हमारी सबसे पहले तो करंट वाली शीट ही प्रोटेक्ट हो, अनप्रोटेक्ट होगी, लॉक होगी पहले तो SH1, नहीं डेटा, ये डेटा जो होगी हमारी पहले होगी लॉक वाले में लॉक होगी, तो प्रोटेक्ट 1 2 3 4, ठीक है। इसका ना जैसे प्रोटेक्शन करने के दौरान आपने कोई एडिशनल वो लगानी है तो रिकॉर्ड करके भी ले सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा कोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने पहले प्रोटेक्ट किया, और जो मेरी शीट थी डेटा टू उसको मैं हाइड करा दूंगा। इसको मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके जैसे मैं कई और मैक्रो लिखूंगा जो अलग अलग काम वाले, तो मैं इनको बस एल के यू एल के दे दूंगा, ऊपर एल के नीचे यू एल के दे दूंगा, यू एल के ऊपर नीचे एल के दे दूंगा, ठीक है। डेटा टू विजिबल, अब इसमें लिख दूंगा एक्सेल वेरी हिडन, ठीक है। और अनलॉक में मैं इसका ठीक उल्टा करूंगा, अनलॉक में मैं अनप्रोटेक्ट कर दूंगा, ठीक है, और विजिबल को मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं चला देता हूं जैसे कि लॉक, विजिबल मेथड ऑफ वर्कशीट फेल्ड, विजिबल, अच्छा इक्वल टू नहीं दिया ना, इक्वल टू, ठीक है। अब ये हमारी डेटा टू गायब हो गई, डेटा है हमारे पास, ठीक है। और हाँ, उसके बाद यही एक्टिवेट भी हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हम एक शीट को करेंगे तो शीट वो डाटा उस शीट पे होगा, कौन सी पे, डेटा टू पे होगा, वो मान लो कि वहाँ जाके लोड कर रहा है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, पर आप जाके भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो लास्ट में उसी शीट को हमें ये डेटा को ही एक्टिवेट करा देना है। ठीक है, अब ये क्या हो गई, ये तो लॉक हो गई। अभी हमने अनप्रोटेक्ट 1 2 3 4, इसमें जो हमने प्रोटेक्ट करना था, प्रोटेक्ट शीट, ये इनको पहले अनलॉक करना था, प्रोटेक्शन से इनको अनलॉक किया, ठीक है, दो को। बाकी अब मैं ये एल के वाला चला देता हूँ, ठीक है, अब ये लॉक है, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे पे कोड लिखना है, तो अब हाँ, अभी इसका कोड सबसे पहले क्या करेगा, ये यूएल के अनलॉक करेगा, बस उसका नाम दे दे देंगे। उसके बाद हम करेंगे
शीट्स डेटा, डेटा टू में जाना है, ठीक है, और उसमें हम करेंगे, पहले इसको एक्टिवेट करा लेते हैं। हालांकि इस चीज़ के लिए एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हो तो एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक्टिवेट करके नॉर्मल मेथड से करता हूँ क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ इक्वल टू करके भी हो सकता है, एंड एक्सेल आप डायरेक्ट आप दे दो ले लेगा, पर मैं एक्टिवेट करके करा रहा हूँ इसको। पहले मैंने शीट को एक्टिवेट कराया, फिर मैंने क्या किया कि शीट्स डेटा टू डॉट रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप, और मतलब अप जाके एक डाउन आता है, ठीक है, तो ऑफसेट 1 0 1 रो के लिए हो गया। डॉट वैल्यू इक्वल टू जो हो गई हमारी वो होगी शीट्स डेटा डॉट रेंज ए नहीं बी टू बी वन है, बी वन से ये वैल्यू लेगा, बी वन ही है, बी वन है और बी थ्री से डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे ट्रांसफ़र होगी। अब मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, दूसरी वैल्यू के लिए मैं चलूँगा ए पे ही, यहाँ पे करूँगा क्योंकि अब एक वैल्यू एंटर हो चुकी है, तो यहाँ पे ज़ीरो ऑफसेट होगा रो का और कॉलम का होगा एक, और यहाँ से जो वैल्यू लेगा वो होगा बी थ्री की, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, उसके बाद यू एल के, ये एल के कर दूंगा। कई बार क्या होता है ना कि हमारा कोड बीच में टूट सकता है, ठीक है, कोड बीच में टूट सकता है, मतलब कहीं रुक गया जहां हम दे रहे हैं कि वैल्यू जानी है और वो गई नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पहले तो ये दिखाता हूँ कि ये हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया संदीप फरीदाबाद, ठीक है, और इसको क्लियर भी कर दे, जैसे ही हो जाए काम, यहाँ पे ये कोड भी दे देते हैं कि हमारी जो दोनों वैल्यू है, पहले तो एक तो आपकी डेटा भी एक्टिवेट हो जाए यहाँ से, ठीक है, और रेंज जो है हमारी बी वन डॉट वैल्यू जो हो जाए एक्सेल नन भी कर सकते हो, दो बार कॉमा भी लगा सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा खाली, तो ये बी थ्री, ये दोनों वैल्यू इस बटन के करते ही आ जाएंगी और एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा आपका, मैसेज बॉक्स लॉक करने के बाद दिखाते हैं क्योंकि लॉक नहीं होगा नहीं तो। मैसेज बॉक्स डेटा सबमिटेड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से डेटा, अच्छा मैक्रो तो अटैच किया ही नहीं मैंने इसमें, अनप्रोटेक्ट 1 2 3 4 असाइन मैक्रो, और इसमें मैंने करना था सबमिट डेटा, ओके किया। अब इसको मैं प्रोटेक्ट कर देता हूँ, ये वाला लॉक वाला चला देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया लिंक, क्लिक किया डेटा सबमिटेड, ठीक है। एक्सेल नन जो है हमारे ख्याल से कुछ और वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो एक्सेल नन को हटा देते हैं, वही इसको ऐसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो हमारी वैल्यू चली गई है, एक और वैल्यू देख लेते हैं, डाल देते हैं,
दिल्ली, इसको ठीक है, डेटा सबमिटेड। अब इस बार एक बार इसको अनलॉक को चला सकते हैं, इससे चला के देख लेते हैं। ये डेटा टू में हमारी ये दो वैल्यू, अच्छा डेट नहीं डाली है, डेट चलो बाद में डाल देंगे, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे चली गई, ठीक है। अब कई बार होता क्या है कि हमारी ना वैल्यू अटक सकती है कहीं। अब जैसे मान लो कैसे अटकेगी, मैंने इस शीट को कर दिया प्रोटेक्ट, हैं। अब मैं डाल रहा हूँ विजय, अब ये वैल्यू गई अटक, ठीक है। अब यहाँ अगर ऐसे अटकेगा तो फिर कस्टमर तो वापस कर देगा एप्लीकेशन, ठीक है। और देखो कि इसके बाद का आपका कोड चला नहीं है, तो कस्टमर एंड पे डिबग आएगा, क्रैश हो गया ये, ठीक है। तो मतलब ये अनलॉक तो हो गया, लॉक तो हुआ ही नहीं, यानी उसके सारी हकीकत उसके सामने आ जाएगी। तो इस चीज़ से हमें हमेशा बचना होता है। तो अभी मुझे मैनुअल लॉक का चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिफ़्रेश के बटन में ये दे देता हूँ, ये तो ज़्यादातर कि अगर कहीं भी अटकता है आप रिफ़्रेश करो, वो फिर से लॉक हो जाएगा। पर अभी के लिए तो सब ओपन है। तो ऐसे केस में जहाँ आपको लगता है कि एरर आ सकती है, ठीक है, वहाँ पे हम देंगे, क्या देंगे, एक हमारे पास है कीवर्ड ऑन एरर, गो टू कोई भी डाल दो, मतलब एक हैंडलर नाम रख देता हूँ, हैंडलर, ठीक है। अब ये हैंडलर क्या है, एक चीज़ है रिज्यूम नेक्स्ट, यहीं पे ही आपका रिज्यूम नेक्स्ट भी चलता है। रिज्यूम नेक्स्ट क्या करेगा, जहाँ एरर आ रही है उसको छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा, पर वैल्यू नहीं जाएगी। तो सबसे पहले रिज्यूम नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, गो टू हैंडलर बाद में दिखाता हूँ, सबसे पहले रिज्यूम नेक्स्ट वाला कोड दिखाता हूँ। तो ये क्या करेगा, एरर आ रही है तो आने देगा, उसको छोड़ देगा, आगे बढ़ा देगा। तो जैसे मैं ये एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, आर आई डेटा सबमिटेड, पर अगर आप अनलॉक करके देखोगे तो डेटा में ये वैल्यू गई ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप तब लगाते हो कि गो टू नेक्स्ट जब आपको पता है कि ठीक है काम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अटके नहीं कहीं, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास है वो हैंडलर है, मतलब वो कोड आगे बढ़ जाएगा, जो हो रहा है वो करेगा वो खाली। अब हैंडलर, हैंडलर को लगाने का क्या तरीका है कि जैसे ही एरर आएगी यहाँ पे, हम कहीं भी जहाँ पे हैंडलर लिखेंगे और ये डालेंगे, तो इसके नीचे का कोड जो है जैसे ही एरर आएगी ये यहाँ पे भाग जाएगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे वो चीज़ डाल देंगे जो हम चाहते हैं, तो हम जो इम्पोर्टेंट कोड है वो यहाँ डाल देंगे कि हाँ भैया एरर आ जाए तो ये काम कर दे। तो इसमें कर देते हैं एरर अकर्ड इन सबमिट डेटा मैक्रो। तो ये कोड हम एरर हम इसलिए रखेंगे कि हाँ इस मैक्रो में एरर आई थी वो, क्योंकि तुम्हें मैसेज बताएगा कि जी सर ये एरर आ रही है, तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ देखना है, क्योंकि मैं हो सकता है 50 प्रोसीजर बनाऊं, है ना। तो अब देखो अभी क्या करेगा, ये चलता हुआ आएगा, अगर एरर नहीं आई तो ये भी चलाएगा प्लस हैंडलर का भी चलाएगा। तो हमें ना ब्रेक करना होता है इसको, यहाँ पे हम कर देते हैं एग्जिट, ठीक है, एग्जिट सब, तो इस सब प्रोसीजर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके जैसे ही मैसेज दिखाएगा यहाँ पे एग्जिट सब कर जाएगा, हैंडलर नहीं चलाएगा। हैंडलर में तभी कूदेगा जैसे यहाँ एरर आ गई, तो डायरेक्ट यहाँ हैंडलर पे आ जाएगा, बीच के कोड छोड़ देगा और फिर यहाँ जो है वो एग्जीक्यूट करेगा।
तो आप देखते हैं जैसे कि एरर आई थी हमारी, डेटा टू को मैं वापस लॉक कर देता हूँ। हाँ, तो जैसे मैं कर रहा था विजय नोएडा, तो इसको मैं एक एक करके चलाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, सबमिट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक एक करके चलते हैं। F8 यहाँ पे जो है कूद गया हैंडलर में, लॉक किया पहले उसने, फिर मैसेज दे देगा, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी। तो आपको शीट के ऑपरेशन आ गए और कैसे हमने इसमें करना है, रेंज से कैसे डाटा इधर का उधर करना है, सारा आप कर सकते हो, है ना। ऑफसेट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो हमारा रह गया है वो रह गया है हमारा वर्कबुक वाला, वर्कबुक ऑब्जेक्ट, कि उसमें हम जिसके अगली किसी फाइल का है उसको खोलना है, बंद कराना है, सेव कराना है, पासवर्ड लगाना है, ये सब है। तो इसको हम कहो तो आज एक घंटे का और कर लें और कहो तो अगले में करा दें, ये सब हैं। क्या बोलते हो सब, अविनाश जी? हेलो।